आपने स्त्री देखा कैसी लगी आप? वेरी नाइस, ऑसम। इस तरीके से इन्होंने मल्टीवर्स को कनेक्ट किया है, वो कैसा लगा आपको? इसमें मुंजिया भी था ना? हाँ, मतलब दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अगर बात की जाए एक्टिंग वगैरह, किसकी एक्टिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद आई? उसमें सभी इतने अच्छे थे कि मतलब हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किसकी बहुत अच्छी थी, बट जिसकी भी थी सबकी बहुत ही अच्छी थी। और कहानी, मतलब ये मूवी जितनी बार देखो उतनी बार कम है, बहुत अच्छी थी एक्टिंग। इट वाज पॉइंट ऑन, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम, परफेक्ट। आई विल से मस्ट वॉच। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोस थे, तो वो सब कैसे लगा? इट वाज अमेजिंग, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। आई लव्ड इट, एंड मेनली उन्होंने कैमियोस का जो यूज किया है एक्चुअली दैट वाज वेरी गुड। हाँ, टाइम पे हमारी जो एक्साइटमेंट बढ़ती आ रही थी कि अब कौन आएगा, अरे ये कैसे आ गया, लाइक वरुण धवन, अक्षय कुमार, डैम। बहुत अच्छी थी, इट वाज नाइस, इट वाज फनी, इट वाज स्कैरी, एंड इट वाज एक्साइटिंग टू वॉच। बहुत अच्छी लगी, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है, और इसमें वरुण देवल का ये आता है ना भेड़िया रोल में, तो ये बहुत मस्त लगता है। टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, तो उसमें काफी अच्छे अच्छे एक्टर थे, श्रद्धा कपूर थी, पंकज त्रिपाठी थे, राजकुमार राव थे, किसी एक्टिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है? एक्चुअली ऑल ऑफ देम, बट पंकज त्रिपाठी इज काइंड ऑफ माई फेवरेट, सो या आई विल से हिम, बट आई वुड से ऑल ऑफ देयर एक्टिंग्स वर गुड। फिल्म को 5 में से रेट करना, कितना रेट करोगे? 5 में से 4.5। अगर हम बात कर रहे हैं लाइक तीनों फिल्म, लाइक एक यूनिवर्स की, तो उन्होंने तीनों फिल्म को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, जैसे भेड़िया, स्त्री एंड मुंजा, तो आपको उस पर क्या कहना? आई थिंक द मार्केटिंग एट फर्स्ट थोड़ी थी जैसे मार्केटिंग गिमिक जो हम बेस्ट से कॉपी कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट फिट्स इन सो वेल, एंड इतना एक्साइटमेंट फील हुआ, स्पेशली क्योंकि मैंने रिसेंटली भेड़िया और स्त्री रीवॉच किया, एंड टू सी इट टुगेदर एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग इन मुंजिया, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। आई फुल ऑन हूटेड। एक स्पॉइलर देता हूँ, अक्षय कुमार का कैमियो एक नंबर है, बाकी और किसका कैमियो अच्छा नहीं लगा, मेरे को अक्षय कुमार का कैमियो अच्छा लगा। फिर लास्ट में उसका एक आप आके देखिए तो मालूम पड़ेगा लास्ट में क्या होता है। ओके, सो आपने स्त्री 2 देखा, कैसी लगी आप? फिल्म बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली फर्स्ट के पार्ट कंपैरिजन में मुझे स्क्रीन प्ले थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा इसका, बट इट्स स्टिल गुड पॉइंट पे है, और कैमियोज सारे बहुत सरप्राइजिंग थे, स्पेशली अक्षय कुमार का। वरुण धवन का उतना सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली भेड़िया इज द सेम यूनिवर्स, मुंजिया इज द सेम यूनिवर्स, तो अक्षय कुमार का बहुत अच्छा था। एंड एंड में जो एक और सीन है अक्षय कुमार का, नॉट स्पॉइलिंग द मूवी, बट हाँ वो और ज़्यादा आपको आइडिया देता है कि स्त्री 3 के लिए या भेड़िया 2 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैम, इन्होंने एक यूनिवर्स को कनेक्ट किया है, जैसे भेड़िया, मुंजा एंड लाइक स्त्री को, तो वो कैसा लगा आपको देखने में? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे एवेंजर्स का जैसा है ना, सब ऑल मार्वल एंड डीसी का कैरेक्टर्स को जैसे वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। हाउ मच वुड यू रेट द फिल्म आउट ऑफ 5? यार 5 ले लो यार, मजा आ गया। अगर ये बात की जाए एक्टिंग एंड ऑल की, किसकी एक्टिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद है? डेफिनेटली राजकुमार राव इज वेरी गुड हियर, उसके अलावा हाँ श्रद्धा, ऑफ कोर्स अभिषेक बनर्जी, यस। एंड व्हाट अबाउट राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर? उनकी जोड़ी तो हमेशा से अच्छी है और बहुत अच्छा है। इस फिल्म में काफी अनएक्सपेक्टेड कैमियोज थे, तो किसकी कैमियोज के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे? वरुण धवन, yeah that was interesting। तो स्त्री 2 रिलीज हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें ये फिल्म कैसी लग रही है, तो चलिए बात करते हैं उनसे। आपने स्त्री देखा, कैसी लगी आप? वेरी नाइस, ऑसम, या मजा आ गया। बात की जाए स्त्री 1 के कंपैरिजन में, तो स्त्री 2 कैसे थी? नहीं, स्त्री 2 उतना अच्छा नहीं था स्त्री 1 के जैसा, मतलब थोड़ा बोरिंग मोमेंट्स भी था, बट फिर भी वन टाइम वॉच। It was good. I love the scare, the jump scares that were there, and the comedy was equally amazing. So. I toh loved it. Rajkumar Rao has always been my favorite. Upar se Shraddha Kapoor jitni pretty lagi hai na, I'm sure aap log bhi dekhoge na, bahut maza aayega. Shraddha, I love you. Bahut achhi hai, but matlab bahut maza aaya. It was amazing, acting wise and direction wise, bahut achcha tha. Dhamal, well punch ek se ek, or when it has to be scary, it is scary. Full entertainment, it's simply awesome movie. It was very good, but actually the thing is ki they are trying to copy kind of a universe or something, na? Like Avengers, we have the universe parts and all. But this is not a thing that they should, you know, concentrate on that particular part. They should, what actually do is that they should, you know, correct their actually part which they are showing us. Because Hindi universe, and I don't think that it will work as a Hollywood part. Bahut achhi thi, it was nice, it was funny, it was scary. And it was exciting to watch.
बहुत अच्छी लगी, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है, और इसमें वरुण देवर का ये आता है ना भेड़िया रोल में, तो ये बहुत मस्त लगता है। आई लाइक द मूवी, इट वॉज ऑल कनेक्टेड टू भेड़िया एंड देन मुज्जा का ऑल्सो पोस्ट क्रेडिट सीन, सो आई रियली लाइक इट एंड आई लाइक दैट वी आर कमिंग अप विद समथिंग विच इज यू नो लाइक हाउ टू थ्री मूवीज आर कनेक्टेड एंड इट्स आवर ओन यूनिवर्स काइंड ऑफ अ मूवी, सो या बहुत अच्छी लगी फिल्म, अच्छे सारे कैमियोज है। एक स्पॉइलर देता हूँ, अक्षय कुमार का कैमियो एक नंबर है, बाकी और किसका कैमियो अच्छा नहीं लगा मेरे को, अक्षय कुमार का कैमियो अच्छा लगा। फिर लास्ट में उसका एक एक आप आके देखिए तो मालूम पड़ेगा लास्ट में क्या होता है। अमेजिंग, लव्ड इट, लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, लास्ट तक मतलब पूरा आपको ऐसा लगेगा नहीं कि क्या बोरिंग मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच। अगर एक्टिंग वगैरह की बात की जाए, किसकी एक्टिंग आपको फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आई? श्रद्धा कपूर। व्हाट अबाउट द लीड, राजकुमार राव? वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया, उस स्कैरी था, फनी था, और उसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। इसमें कालीन भैया है ना, पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी का मजा आया भाई देखने में, इनकी कॉमेडी हो गई और अक्षय कुमार भी आया फिर और मजा आया। फिल्म बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली फर्स्ट के पार्ट कंपैरिजन में मुझे स्क्रीन प्ले थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा इसका, बट इट्स स्टिल गुड पॉइंट पे है, और कैमियोज सारे बहुत सरप्राइजिंग थे, स्पेशली अक्षय कुमार का। वरुण धवन का उतना सरप्राइजिंग नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली भेड़िया इज द सेम यूनिवर्स, मुंजा इज द सेम यूनिवर्स, तो अक्षय कुमार का बहुत अच्छा था। एंड एंड में जो एक और सीन है अक्षय कुमार का, नॉट स्पॉइलिंग द मूवी बट हाँ, वो और ज़्यादा आपको आइडिया देता है कि स्त्री थ्री के लिए या भेड़िया टू के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड या बहुत अच्छी लगी, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फनी एज वेल एज स्कैरी ऑल्सो एट टाइम्स, सो वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस टाइप ऑफ अ मूवी विच इज कॉमेडी एंड येट अ हॉरर मूवी। आई मीन ऑनेस्टली इट एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। Horror comedy genre, I mean, I think both of us keep talking about is that it's very difficult to kind of nail, and we weren't really expecting anything out of it, but you know, I think we didn't stop laughing throughout the movie except for that one moment when we thought Janardhan died. 3-2 is very entertaining, बहुत अच्छी लगी, काफी stimulating है, but first half I really liked, second half में थोड़ा सा over हो गया था. But overall, it's a good entertainment. Brilliant movie. Amazing movie. It was good. Time pass, like, you know, it was interesting. And yeah, that's about it. बहुत अच्छी लगी, और इसकी जो कहानी थी उसमें कैमियोज बहुत सारे अच्छे थे, और लोगों ने मतलब जो स्टोरी को बिल्कुल जो बनाया था ना, जो फर्स्ट के लिए बैकग्राउंड यूज़ किया था उससे रिलेटेड सारे थे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज थे, तो वो सब कैसे लगे आपको? Nice, awesome. वो मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं था कि ये सब होगा, बट ये उसने जो मल्टीवर्स बनाया ना उसका, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। वो भी अच्छे थे, सरप्राइजिंगली अक्षय कुमार का बहुत ही मतलब सडन वो था, हाँ वो उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, बट अच्छा था, सब अच्छा था, एंड बहुत अच्छा था। आई लव्ड इट, एंड मेनली उन्होंने कैमियोस का जो यूज़ किया है एक्चुअली दैट वॉज वेरी गुड। हाँ, टाइम टाइम पे हमारी जो एक्साइटमेंट बढ़ती आ रही थी कि अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, अरे ये कैसे आ गया, लाइक वरुण धवन, अक्षय कुमार, डैम। इट वाज अमेजिंग, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर। डिड यू लाइक द पार्ट वेयर दे कनेक्टेड ऑल द यूनिवर्स, लाइक स्त्री, भेड़िया एंड मुंजा? या आई लाइक दैट पार्ट। इनफैक्ट जैसे कि रहता ही है मैडॉक की इस यूनिवर्स का एक पैटर्न है कि एंड में एक गाना आता है जो कि मुंजा में भी था, स्त्री में भी था, भेड़िया में भी था, तो वो जो गाना जब एंड हुआ उसके बाद एक और गाना है जिसमें वरुण और श्रद्धा हैं, वो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा कि ज़रूरत नहीं थी उसकी। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे एवेंजर्स का जैसा है ना, सब ऑल मार्वल एंड डीसी का कैरेक्टर्स को जैसे वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। आई थिंक बहुत अच्छे से कर रहा है ये एक्चुअली। मुंजा अभी हमें देखनी बाकी है, बट हमने भेड़िया भी रिसेंटली देखी थी, तो आई थिंक आई एम लाइकिंग व्हाटएवर दे डूइंग विद इट। या इंटरेस्टिंग था, या मल्टीवर्स जो क्रिएट कर रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब ये आगे की मूवीज के लिए बहुत अच्छा है। इट वाज फनी, सो आई मीन या ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्हाट लाइक एंड नाउ इट्स अक्षय कुमार, इट सीम्स। बात की जाए एक स्टोरी को, जैसे उन्होंने भेड़िया, स्त्री और मुंजा कनेक्ट किया था, तो वो कैसे लगा? या ऑसम, भेड़िया का कनेक्शन लाइक जिस हिसाब से उन्होंने कनेक्ट किया, दैट्स वेरी गुड। इसमें मुंजिया भी था ना, हां मतलब दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। आई थिंक आई एक्सपेक्टेड इट अ लिटिल बिट बिकॉज़ भेड़िया में आल्सो वी हैड दोस पीपल कमिंग इन, बट यस बहुत मजा आया, एंड हमारी एक्साइटमेंट आगे की मूवीज के लिए और बढ़ती जा रही है कि अब व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट।
लास्ट में अच्छा था, सबको कनेक्ट किया और सबका एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी और श्रद्धा कपूर ऑलवेज माय फेवरेट, तो वो बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी गुड। मुंजा वाज नॉट देयर एट ऑल, बट इट वाज की मतलब वरुण धवन वाज देयर एज अ वुल्फ, एज द भेड़िया, सो इट वाज अ गुड थिंग। मतलब इट इज समथिंग न्यू दैट वी गॉट एंड इट इज वेरी गुड। लाइक फिल्म को अगर आपको फिल्म को आउट ऑफ 5 रेट करना हो तो कितना रेट करोगे? 5 आई वुड रेट इट 9 4.5 5 out of 5 In fact, 6 out of 5 I love. 5 में से 4.5 3.5 5 It was amazing. Seriously. 5 से भी ज़्यादा bro. 5.5 4.5 4.89 4.9 You can take 4.9 So 5 I will rate it like 3.5 4 I would give it a 4 definitely. 5 ले लो यार, मज़ा आ गया. Out of 5 3.5 5 It was. I think I got 4 out of 5. Yeah. I agree. What about you? Yeah, no, same. 4 out of 5 It was pretty good. I'll give a 5. Done. You can take 4.9. No, 5. I will rate it like 3.5. 4. I would give it a 4 definitely out of 5. 5 le lo yaar, maza aa gaya. Out of 5. 3.5? 5. It was. I think I got 4. 4 out of 5. 4. Yeah. I agree. What about you? Yeah, no, same. 4 out of 5 It was pretty good. I'll give a 5. तो गाइज मुझे तो स्त्री 2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इस फिल्म में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कैमियोज है जो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि स्पॉइलर है। सो आप जाओ ये फिल्म देखो और हमें कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है। सो आपसे लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।